नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी जवानों, भूतपूर्व सैनिकों व केंद्रीय कर्मचारियों के एकमात्र भरोसेमंद सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों जवानों, भूतपूर्व सैनिकों तथा केंद्रीय कर्मचारियों की के तीन महत्वपूर्ण खबरें लेकर आया हूं आज मैं इस वीडियो में। तो आइए दोस्तों देखते हैं कहां किसको मिली सौगात और किसको लगा झटका। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों CGHS लाभार्थियों के परमानेंट डिसेबल्ड उन बेटों को भी अब CGHS की सुविधा मिलेगी जो 25 साल की उम्र पूरी होने के बाद डिसेबल्ड हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, जिन बच्चों की डिसेबिलिटी यानी कि परमानेंट डिसेबिलिटी 40% और उससे ज़्यादा 25 साल पूरी होने के बाद हुई है, अब उनको भी CGHS की फैसिलिटी मिलेगी। वो भी अब CGHS फैसिलिटी के लिए एलिजिबल हैं। इस संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से 1 जनवरी 2020 को ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। दोस्तों इस ऑफिस मेमोरेंडम का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जो भाई वहां से इसको डाउनलोड करके स्टडी करना चाहते हैं स्टडी कर सकते हैं और अथॉरिटी के रूप में इसको डाउनलोड करके अपने साथ रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी CGHS फैसिलिटी एलिजिबिलिटी के संदर्भ में जानकारी और अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों अगली बड़ी खबर भूतपूर्व सैन्य कर्मियों के जॉब के संदर्भ में है। केंद्र ने सेवानिवृत्ति के बाद रोजगार में आरक्षण संबंधी नियमों में बदलाव कर दिया है। इसके बाद पूर्व सैनिकों को अब उनकी सिविल नौकरी में आरक्षण का लाभ मिलेगा जिनके लिए आवेदन उन्होंने किया है। ऐसा होने पर पूर्व सैनिक अपनी पसंद का रोजगार पा सकेंगे। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी कि DOPD ने इस संबंध में एक आदेश जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अगर पूर्व सैनिक कहीं सिविल रोजगार ज्वाइन करने से पहले विभिन्न नौकरियों के लिए आवेदन करता है तो वह पूर्व सैनिक के रूप में किसी भी नौकरी में आरक्षण का लाभ ले सकता है। हालांकि यह लाभ लेने के लिए पूर्व सैनिक को सिविल नौकरी शुरू करने से पहले ही रोजगार प्रदाता को लिखित में उन सभी नौकरियों के बारे में जानकारी देनी होगी जिनके लिए उसने उपरोक्त नौकरी शुरू करने से पहले आवेदन किया है। DOPD ने इस संबंध में 24 साल पुराने नियम को संशोधित कर दिया है, लेकिन साथ ही स्पष्ट किया है कि पूर्व सैनिकों को यह लाभ सिर्फ उन नौकरियों में ही मिलेगा जिन पर सीधी भर्ती होनी है और जिनमें पूर्व सैनिकों को आरक्षण मिलता है। तो दोस्तों ये थी भूतपूर्व सैनिकों के जॉब संबंधी जानकारी। दोस्तों अगली तीसरी खबर जवानों के संदर्भ में है जो कि 24 जनवरी 2020 को ये कोरिजेंडम संशोधित आदेश जारी किया गया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से फील्ड सर्विस कंसेशन टू आर्मी पर्सनल के रिगार्डिंग। दोस्तों 1994 में जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने फील्ड सर्विस में कंसेशन दिया था जवानों को, अब उसमें संशोधन इस तरह से हुआ है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बदलाव क्या है, ये जो बोल्ड किया गया है यहाँ पर व्हेन ऑन कैजुअल लीव के पीरियड पे जब वो एब्सेंट रहते थे तो उनको कंसेशन लागू था, लेकिन देखिए यहाँ लिखा रीड इस बोल्ड को देखिए कि फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 20 डेज व्हेन ऑन कैजुअल लीव, यानी कि अब वो फील्ड एरिया अलाउंसेस के लिए जो कंसेशन है 20 डेज की कैजुअल लीव के लिए ही है। अगर आप 30 डेज की कैजुअल लीव पर जाओगे तो वो जो कंसेशन मिलता है उसको कट कर दिया जाएगा, यानी कि उस पीरियड के लिए फिर आपके अलाउंसेस को काट दिया जाएगा और बाकी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एज इट इज रहेंगी जो पहले लेटर में थी, उनमें कोई चेंजमेंट नहीं किया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें जवानों, भूतपूर्व सैनिकों तथा केंद्रीय कर्मचारियों के संदर्भ में। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।